अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पीएसएल का सॉन्ग जो बनना था वो बन गया, ठीक है। पीएसएल 6 की बात कर रहा हूँ मैं, जो सॉन्ग बनना था वो बन गया। अब यार प्लीज बस कर दें, बहुत हो गया। आंटी नसीबुलाल बेचारी जो है ना, रो रो के उसने अपने आंसू खत्म कर दिए। जो होना था वो हो गया, पीएसएल का सॉन्ग बन गया। भाई हमें तो अच्छा लगा, जैसा भी है अच्छा है। हम पीएसएल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम आंटी के सॉन्ग को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है जब ये स्टेडियम में चलेगा तो इसका जो है ना बहुत ही अच्छा म्यूजिक, स्टेडियम के लिहाज से ना ये आवाज और ये म्यूजिक जो है ना सूट करेगा इंशाल्लाह। और अली जफर, अब ये तो नहीं है जब अली जफर कहेगा कि ट्वीट कर देगा, भाई कहेगा कि भाई जनाब मैं तो जो है ना मुझे आप लोग मिस कर रहे हो। भाई बस कर दो भाई, और भी सिंगर हैं उनको भी मौका दिया जाए। इस दफा इन्होंने गा दिए, अगली दफा कोई और गाएगा। अब हर दफा हम अली जफर के भी नहीं सुन सकते सॉन्ग, ठीक है। और हैं काफी सारे टैलेंटेड हैं इसमें जो है ना सिंगर पाकिस्तान में, उनसे भी जो है ना ये परफॉर्मेंस कराई जा सकती है। लेकिन भाई मुझे तो पसंद है आंटी नसीबुलाल, मेरी तरफ से ओके, ठीक है। आप जो है ना बहुत अच्छा आपने गए, जितना पोटेंशियल था आपने पूरा लगाया। लेकिन मसला ये है कि नसीबुलाल जो आंटी हमारी बहुत अच्छी सिंगर हैं, उनको हमेशा उनके सॉन्ग्स जो है ना बसों में, रिक्शों में, चौकों में लगाए गए हैं। इस वजह से वो हमें ये लग रहा है कि यार ये इतना बड़ा इवेंट का एक सॉन्ग हम आप लोकल जो है ना सिंगर से ये गाना हमने परफॉर्म कराया। कोई बात नहीं यार, ये गाना अब बन गया ना, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा चलेगा। आप लोग जो है ना बस अपनी जो अपने जो है ना जज्बात बुलंद रखें और अपनी टूर्नामेंट को सपोर्ट करें, मैचेस देखें और नसीबुलाल को माफ कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।